बच्चों आज तरह सूरदास के पद का मौखिक प्रश्न है। क, श्री कृष्ण ने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दी? श्री कृष्ण अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए मां यशोदा से क्या तर्क दे रहे हैं? लिखो, श्री कृष्ण ने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए मां यशोदा से कह रहे हैं कि ऐ मैया, मेरे हाथ और पांव दोनों छोटे छोटे, मैं कैसे मक्खन को खा सकता? मैं तो सुबह से शाम तक गैया चराने के लिए मधुबन को चला जाता, भला मैं कब मक्खन को खा सकता हूं? सवाल नंबर है, श्री कृष्ण को गाय चराने जाने से रोकने के लिए मां यशोदा ने क्या तर्क दिया? श्री कृष्ण को मां यशोदा ने बहुत समझाया। मां यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि धूप के लगने से तुम्हारे कोमल बदन कोमला जा रहे हैं, तुमको भूख और प्यास लग जा रही है, इसलिए हे कृष्ण, तुम गैया चराने के लिए मत जाओ। बच्चों, सूरदास के पद का मौखिक क ख आप लोगों को लिखकर हम देखिए। ग, ग आप लोगों का सवाल है, माता यशोदा ने के तर्कों का श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? कि मां यशोदा उन्हें मना कर रही है तो कृष्ण उसका क्या जवाब दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? तो बच्चों लिखो, कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मैया, न मुझे भूख लगती है, न प्यास लगती है और न धूप, क्योंकि मैं वृंदावन के मीठे फल से मेरी भूख खत्म हो जाती है, हेलो, इसलिए मैं गैया चरावन को जाऊंगा। बच्चों आप सवाल उठता है बहुत विकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के साथ में सही का निशान लगाना है। सवाल है तुम लोगों का, श्री कृष्ण गाय चराने के लिए किस समय निकलते थे? विकल्प है सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय। तो तुम्हारा पहला का कौन सही होगा? सुबह के समय। दूसरा सवाल है, श्री कृष्ण गायों के साथ वन में कितने समय रहते थे? विकल्प है एक पहर, दो पहर, चार पहर, आठ पहर। तो दूसरा का कौन सही है? चार पहर। बच्चों तीसरा सवाल है, श्री कृष्ण क्रोध में माता यशोदा को क्या लौटाने को कहा? दही का पात्र, मक्खन की हाड़ी, सारी गाय, लखती कंवरिया। तीसरा का बहुत सही है, लखती कंवरिया लौटाने को कहा। चौथा, श्री कृष्ण कहा कि अपने हाथ के फल खाना चाहते थे, तो विकल्प है गोकुल के, वृंदावन के, मथुरा के, आगरा के। इसमें चौथा का खा सही है, वृंदावन के मीठे फल को खाना चाहते थे। बच्चों आप तुम लोगों के सामने है सूरदास के पद का लिखित प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न, जिसको छोटा मैं आंसर दे रहे हैं, लेकिन तरीका आपको बता दिए हम लिखने का। इसका कह है, श्री कृष्ण क्या खाने से मना कर रहे थे? तो माखन मिश्री, मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं माखन मिश्री को नहीं खाऊंगा, ऐसे लिखना लिखने में। श्री कृष्ण के अनुसार उनके पीछे कौन पड़े थे? ग्वाल बाल ही माया यशोदा के पास नहला देते थे,
श्री कृष्ण गाय चरा कर किस समय घर पर भक्त लौटते थे? शाम को चार पहर बंती पर बंती शाम पर घर आयो, शाम को जो है वह घर 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 को लौटते थे। चौथा सवाल है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर माँ यशोदा ने क्या किया? अंत में जब श्री कृष्ण सफाई दे रहे हैं उनकी बातों को सुनकर माँ यशोदा ने उन्हें गले से लगा दिया। बच्चों आप तुम लोगों का सवाल है दीर्घतरीय प्रश्न, मैं थोड़ा सा भी बोर्ड पर लिखकर दे रहा हूं, आप लोग तरीका हम बता दिए हैं, विस्तृत थोड़ा सा कर लीजिएगा। कौ श्री कृष्ण गाय चराने क्यों जाना चाहते थे? श्री कृष्ण वृंदावन के मीठे फलों को खाने के लिए गैया चराना जाना चाहते थे। जब मां मना कर रही है तो वे कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगती है, मैं जाकर जो है वहां पर उसके वृंदावन के मीठे मीठे फल को खाता हूं। खा सवाल है, जब माता ने कहा कि धूप में घूमने से तुम्हारा मुख कुमला जाएगा तो श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे धूप नहीं लगती क्योंकि वृंदावन के घने वृक्षों की छाव में हमें आनंद मिलता है। भैया उन्होंने कहा कि वृंदावन के घने वृक्षों की छाव में हमें बड़ा सुकून मिलता है, मुझे कोई धूप नहीं लगती। तो बड़ा लास्ट सवाल है, माता के समझाने का श्री कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो माता के समझाने के बाद श्री कृष्ण पर यही प्रभाव पड़ा, श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे अपनी जिद पर आए रहे कि मैं गैया चराने जाऊंगा। वे हमेशा यही जिद करते रहे कि मां मैं किसी भी हालत में गैया चराने को जाऊंगा, अपने जिद पर खड़े रहे।